इसको हाई करेगा तो इसको लो करेगा, जब इसको जो है पॉजिटिव पल्स देगा तो इसको जो है नेगेटिव पल्स देगा। ये इसको पॉजिटिव दे रहा है इस टाइम पर, तो नेगेटिव जो है इसको यहाँ दे रहा है इस टाइम पे, तो पॉजिटिव से ऑन हुआ और नेगेटिव दूंगा तो ये यहाँ से होके इसको जो है डिस्चार्ज कर देगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। जय मोजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि PCR 2.1 इंजेक्टर लो साइड इंजेक्टर सेक्शन, ये इसका जो इंजेक्टर सेक्शन होता है बहुत आसान होता है लेकिन थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। ये है सीमॉन्स PCR 2.1 डीजल इंजन में आता है ये। ये ECM जो है स्कोडा में आएगा आपको, ऑडी में आएगा, वॉल्सवैगन, ये तीनों गाड़ी में जो है ये ECM कॉमन है ये। और इसके अंदर बहुत कुछ इंजेक्टर सेक्शन का बहुत कॉमन फॉल्ट आता है, लो साइड हाई साइड है। तो आज हम लोग जो है इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये हमारा जो होता है, ये जो होता है लो साइड सेक्शन होता है हमारा, ये पूरा ये इतना ये जो जितना आप सीरीज देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये इधर का यहाँ तक, ये मेरा पूरा जो है लो साइड सेक्शन है। और ये वाला ये पूरा जो है मेरा ये सब पूरा हाई साइड सेक्शन है, ये पूरा 1, 2, 3 कैपेसिटर। तो पहले जो है हम लोग लो साइड पर बात करेंगे, उसके बाद जो है हाई साइड पर जो है हम लोग जाएंगे कि ये किस तरह जो है हाई साइड लो साइड काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो चालू करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि ramzone.in ECM का पिन आउट या इस ECM का पिन आउट चाहिए आपको, या इस IC में से IC का किसी का पिन आउट्स, या कोई भी ECM का पिन आउट्स हो, जैसे ADC 17C 46 और भी है SID Continental का इसका, तो ये सब का पिन आउट जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा ramzone.in पर। आप वहां से जो है बाय कर सकते हैं पिन आउट्स, कोई भी ECM का पिन आउट्स, IC का पिन आउट्स वहां से जो है आप बाय कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग। ये देखिए ये वाला जो मेरा MOSFET है ये मेरा इंजेक्टर नंबर 3 का है। ये MOSFET जो है मेरा, ये वाला जो MOSFET है मेरा ये इंजेक्टर नंबर 3 का है, और ये वाला जो MOSFET है मेरा इंजेक्टर नंबर 2 है, और ये वाला MOSFET जो है मेरा ये इंजेक्टर नंबर 1 है, और ये वाला MOSFET जो है मेरा इंजेक्टर नंबर 4 है। मतलब ये 4 और ये 1, ये दोनों एक साथ हो गया, ये 1, 4 आमने सामने, और 3 और 2 ठीक है, इन दोनों जो है आमने सामने मेरा ये MOSFET है। ये MOSFET इसके अंदर यूज़ में लाया गया है N चैनल MOSFET में। बेसिकली होता क्या है कि इसके ऊपर जो फ्रिक्वेंसी आती है, जो हमारा हर्ट्स आएगा, वो आएगा ड्यूटी साइकिल में हमारा डिजिटल फॉर्म में आएगा, तब जाकर ये यहाँ से जो है ये ग्राउंड आउट होगा और इंजेक्टर्स के ऊपर जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है फंक्शन, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोगों को किस तरह काम करता है ये फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक ये मेरा MOSFET है ठीक है, मैं यहाँ रख लेता हूँ ये बोर्ड को, ये मेरा MOSFET है। अब मैं इसको जो है कॉन्टिन्यूटी पे सेट करूँगा और देखूँगा। देखिए ये मेरा MOSFET है और ये साइड जो है मेरा ग्राउंड है, ये जो है मेरा ये ग्राउंड है, ये देखिए यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये जो है मेरा ग्राउंड है। अब क्या करना है कि ये मेरा 3 नंबर पे फायरिंग करना रहेगा, तो ये मेरा 3 नंबर से अटैच रहेगा, ये देखिए यहाँ से अटैच है। अब इसको फायरिंग करने के लिए मेरे को ये रजिस्टेंस, इसको फायरिंग करने के लिए जो है एक रजिस्टेंस, फिर दूसरा रजिस्टेंस क्रॉस होगा यहाँ से, फिर तीसरा जो है मेरा ये इंजेक्टर सेक्शन में यहाँ से फायर होगा। तो जैसा ही ये वाला ये IC हमारा जो है इस MOSFET को कमांड करेगा, उस टाइम जो है ये वाला ग्राउंड इधर से आउट होकर, जो हमारा इंजेक्टर रहता है 2 पिन वाला, तो एक में पॉजिटिव आता है और एक में ग्राउंड आता है, तो वो ग्राउंड में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इंजेक्टर लो सेक्शन का बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ ग्राउंड ही जाएगा, अभी मैं ग्राउंड ही फेंक रहा हूँ। पॉजिटिव फेंकने के लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊँगा किस तरह जो है मेरा हाई सेक्शन इसके अंदर काम कर रहा है। तो सेम सबका सर्किट जो है इसी तरीके से जो है सेम है। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों सेम है, ये ग्राउंड है, यहाँ से जो है इसको पल्स आ रहा है 17, 18, उसके बाद हो गया 19, 20, मतलब 4 है ये, 1, 2, 3, 4
फोर इंजेक्टर के लिए फोर कमांड्स आता है यहाँ से और सबके गेट पर जाता है ये मॉस्फेट एन चैनल के गेट पर, और वहीं से जो है वन बाय वन करके ग्राउंड आउट होता है और ईसीएम के पिन पर जाकर इंजेक्टर सेक्शन में काम करता है ये, ठीक है। ये ग्राउंड आउट होता हो जाता है इंजेक्टर सेक्शन के लिए। अब बात आती है इसको डिस्चार्जिंग की और फीडबैक की। क्या बात आ जाती है? डिस्चार्जिंग की और फीडबैक की। तो डिस्चार्जिंग जो है इसके द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन डिस्चार्जिंग और फीडबैक इन दोनों को जो है ये एक ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है किया जाता है। किसकी थ्रू? इस ट्रांजिस्टर की थ्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला जो, जैसा यहाँ से मेरा कमांड आ रहा है, यहाँ से कमांड समझो मेरा ये हाई आया। क्या आया? जब मेरा यहाँ से हाई आया और ये वाला हाई मेरा यहाँ भी जाएगा और ये तीन नंबर में भी, मतलब कि ये समझिए मेरा तीन नंबर इंजेक्टर है और ये एक नंबर इंजेक्टर है। अब जो है इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जब इसके अंदर जब हाई आएगा हमारा, जब इसके अंदर हाई आएगा तो इसके अंदर लो आएगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2.8 वोल्टेज दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर 2.8 वोल्टेज मिला तो ये वाला जो क्या हो गया मेरा इंगेज हो गया, मतलब मेरा चालू हो गया ये ट्रांजिस्टर जो है मेरा ऑन कंडीशन में। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे जब ये हाई करेगा ये इंजेक्टर, इसको हाई करेगा तो इसको लो करेगा, जब इसको जो है पॉजिटिव पल्स देगा तो इसको जो है नेगेटिव पल्स देगा। उस टाइम में क्या होगा, जब ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव दिया और इसको नेगेटिव दिया, तो ये पॉजिटिव कब देगा? इसका साइकिल, जैसे कि ये दो साइकिल बन रहा है मेरा, ये मेरा इस तरह बन रहा है, ठीक है। अब क्या है, जब ये इसको पॉजिटिव दे रहा है इस टाइम पर, तो नेगेटिव जो है इसको यहाँ दे रहा है, इस टाइम पे दे रहा है। क्यों इसको दे रहा है यहाँ नेगेटिव? क्योंकि ये वाला जो है मेरा, ये तो पॉजिटिव से ऑन हुआ और नेगेटिव दूंगा तो ये यहाँ से होके इसको जो है डिस्चार्ज कर देगा ये। तो इस तरीके से होता है ये वर्किंग, ये इस तरीके से काम करता है ये। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल कितना जो है इसका, कितना देर तक जो है इंजेक्टर्स हमारे ऑन हो रहे हैं उसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, जैसा मैं सेम डायग्राम बनाया हूँ उसी तरह, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है मेरा इंजेक्टर सेक्शन क्या है, ये एक तीन और एक, तो ये मेरा, मैं यहाँ से मेरा ये ग्राउंड आया, ठीक है। और ये वाला चीज़ जो है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला जो मेरा ये डायरेक्ट ड्रेन का जो है, ये मेरे ड्रेन का कहाँ जाएगा, ये मेरे ट्रांजिस्टर के ऊपर जाएगा। तो मैं जूम करता हूँ मैं इसको, और देखिए ये वाला जो मेरा ड्रेन है, ये देखिए ये मेरे ट्रांजिस्टर के ऊपर चला गया यहाँ, ठीक है। ये ड्रेन वाला ट्रांजिस्टर पे चला गया, और दूसरा ये जो एक नंबर का जो मेरा गेट है ये वाला, देखिएगा इस साइड पे जो है ट्रांजिस्टर पे आ गया, और मेरा ये वाला जो है इसका इसका ये हो गया मेरा एन पी एन, ठीक है। अब ये वाला जो हो गया मेरा, ये वाला मेरा यहाँ जाएगा और यहाँ से जो है मुझे 5 वोल्ट मिल जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर जो है मुझे 5 वोल्ट मिल जाएगा इसको, इस ट्रांजिस्टर को एनेबल करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सर्किट होता है, आप इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या होता है, उसके बाद एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने को ध्यान रखना है कि हाँ भाई, ये मेरा जो इंजेक्टर सेक्शन है, यहाँ से ड्यूटी साइकिल, मतलब ये इंजेक्टर ड्राइवर से जो है इसको कमांड आ रहा है, तब जाकर ये ग्राउंड यहाँ आउट हो रहा है, और इसको डिस्चार्ज, इसको जो चार्ज हुआ, मतलब इसको जो ये किया तो इसको डिस्चार्ज करना भी ज़रूरत है। तो ये डिस्चार्ज करने के लिए जो है ये ट्रांजिस्टर यूज़ में लाया गया है। बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, तो इतना समझाना जो है इतना ज़रूरी नहीं है। बस ये समझना है कि ये डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है। एक दूसरे का इंटरलेटेड होता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो एक दूसरे से जो है इंटीग्रेटेड होता है। उसमें जो है उतना कोई बड़ी बात नहीं है, उतना ही समझना, इसको बहुत आसान है। कॉन्टिनेंटल का काम बहुत आसान होता है, बस काम करने के लिए थोड़ा चाहिए, कॉन्फिडेंट चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।